हेलो एवरीवन, नीलम की रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से बताने वाली हूँ आपको एक लवली सा सैलड डेकोरेशन जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक है। तो सैलड डेकोरेशन में देखिए, मैंने लिया है ये रेड रोज़। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि रेड रोज़ जो मैं बनाती हूँ टोमेटो का, वो किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो इस तरह मैंने बनाया है सैलड डेकोरेट में। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अलग अलग डिज़ाइन बनाना बहुत ही सिंपल है। खाने में जैसे हम टेस्टी खाना बनाते हैं, उसी तरह हमें अगर सैलड डेकोरेशन भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसे चलिए इस तरह मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं लेमन डेकोरेट कर रही हूँ, ये देखिए। और ये मैंने इसमें चिल्ली डेकोरेट किया है, क्योंकि सैलड लेमन और चिल्ली तो कंपल्सरी है, लोगों को बहुत पसंद है। अगर जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि सैलड बनाने के लिए हमें डिज़ाइन चाहिए, तो डिज़ाइन में ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये मैंने लिया है कुकुम्बर, और इस तरह मैं इनको देखे कितने अच्छे तरीके से मैं इनको गार्निश कर रही हूँ। और इसमें कुकुम्बर में भी होते हैं कि बहुत दो टाइप के आते हैं, एक जो देसी हमारा होता है और ये चाइनीज़ कुकुम्बर है। तो दोनों कुकुम्बर ही सैलेड में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज मैं सिर्फ चाइनीज़ कुकुम्बर से ही मैंने सैलेड बनाया है, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इसके जो सीड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से बनाया है इसको, इस तरह मैं हर एक सैलड डेकोरेशन बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करती, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन करना। और सैलड डेकोरेशन में ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह करें कि वो देखने में सुंदर और यूनिक लगे। और ये हर्ट शेप है, ये बीटरूट का हर्ट शेप है, क्योंकि आप सभी पूछते हैं कि ये आपने क्या लिया है पर्पल कलर का। तो ये पर्पल कलर का चुकंदर है, जिसे हम हिंदी में चुकंदर कहते हैं। तो इसका मैंने बताया था, वो एक शेप दिखाया था जिसे कि मैंने इसको कट किया है। और ये है कैरोट, कैरोट भी हम लेने के लिए सैलड के लिए थोड़े से मोटे साइज़ के कैरोट हमें चाहिए होते हैं, जिसके मैंने इस तरह सर्कल सर्कल कटिंग कर लिए हैं। और पतले पतले ही कट करती हूँ मैं, ताकि ये जो वैसे भी सैलड जो हमारे पतले पतले ही कट होते हैं, जो देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, यूनिक लगे। तो इस तरह देखिए मैंने सारे कट कर लिए। और ये आपका जो सैलड डेकोरेशन है बिल्कुल तैयार है। अब नीचे साइड में थोड़ा सा स्पेस यहाँ लग रहा है, तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जब हम सैलड डेकोरेट करें तो हमें कहाँ खाली दिख रहा है, कहाँ लगाएं कुछ कि अच्छा लगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, अब ये सैलड डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल। तो ये सैलड डेकोरेशन बिल्कुल तैयार है, जो कितना खूबसूरत, कितना यूनिक लग रहा है। कोई भी गेस्ट आपके घर आया है या कहीं आप जा रही हैं, तो वहाँ अगर ये बनाती हैं आप प्लेट, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो आपको मेरा सैलड डेकोरेशन कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।